नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपना ग्राम विकास अधिकारी वीडियो ग्राम सचिव का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इस तरह की सभी जानकारी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्ती से जुड़ी अपडेट एवं उनके फॉर्म फिल करके लाइव बताता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऊपरी ऊपर आप देख लीजिए 6/9/2021 की डेट में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 डिटेल रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, या फिर आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में ये आपकी आपको आपके एसएसओ पोर्टल पर लेके आ जाएगा। वहाँ पर आपको यहाँ पर एसएसओ आईडी फिल कर देनी है, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल कर देना है, यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर देना है और आपको लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। मैं यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी वगैरह फिल करके यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन होने के बाद में आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के ऐप्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप दिखाई नहीं देता तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए आप रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऐप दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 RSSB, तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको सभी फॉर्म आपको जैसे मैंने फिल किया है उसी तरह से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर अपना आवेदक का नाम फिल कर देना है अपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम फिल कर देना है जिस प्रकार मैंने फिल किया है। आपको यहाँ पर मदर्स नेम फिल कर देना है। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर हो यहाँ पर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मेल फीमेल अदर जो भी जेंडर हो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी DOP सेलेक्ट कर लेनी है जिस प्रकार मैंने बताया, उस प्रकार से आपको यहाँ से अपनी DOP सेलेक्ट कर लेनी है। DOP सेलेक्ट करने के बाद में जो भी आपकी एज होगी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर आपकी एज आपको यहाँ पर दिखाई देगी। उसी प्रकार आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल MBC जनरल जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर ST सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा विशेष दिव्यांगजन श्रेणी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यदि आप इन श्रेणी में से विशेष योग्यजन श्रेणी के अंदर आते हो दिव्यांग श्रेणी से हो तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। यदि आप दिव्यांगजन श्रेणी से नहीं बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दिया है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो वो धर्म आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। धर्म सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपको यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेना है कि आप डिवोर्सेस हो या मैरिड हो या रीमैरिड हो, सिंगल हो, विधवा हो, जो भी आपकी कैटेगरी हो, वैवाहिक स्थिति हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप यहाँ पर मेरिट सेलेक्ट करते हो तो मेरिट सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि क्या आपने साथी में देश स्वीकार किया है, तो आपको यस नो में आंसर देना है, यस नो फिल कर देना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुए बच्चों का विवरण आपको यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर यदि आपके 1/6/2002 से पहले कोई बालक या बालिका पैदा होगी तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है, ये कितनी संतान है, वो भी जो भी विवरण हो आपको यहाँ पर ऐसे फिल कर देना है। और उसी प्रकार 1/6/2002 के बाद में कोई आपके संतान है, कोई संतान पैदा होगी तो उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है, उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा। यदि आप 2002 के पहले आपके कोई संतान नहीं हुई तो आपको यहाँ पर 0 भी कर सकते हो। इस तरह से आपको विवरण फिल करना पड़ेगा। आगे आ जाना है। यदि आप यहाँ पर सिंगल करते हो तो सिंगल करने के बाद में जो भी ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे।
और यहाँ पर आपको 0 0 कर देना है। नीचे आ जाना है, आपके जो भी रेगुलर मोबाइल नंबर हो, रेगुलर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अपनी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जीमेल आईडी फिल करने के बाद में आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप राजस्थान के 1977 से संबंधित हो। यदि आप राजस्थान के 1977 से संबंधित हो तो आपको यस कर देना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस फिल कर देना है, आपका ग्राम पोस्ट सहित आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, आपके ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट आदि सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपकी जो भी गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आगे आपके एरिया के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यदि आपके पते चार का पता और स्थायी पता सेम है तो आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना है। चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको पूरी डिटेल अच्छी तरह से चेक कर लेनी है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये कुछ डोमेस्टिक डिटेल मांगी गई है, वो डोमेस्टिक डिटेल आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लेनी है, इंडियन है तो आपको इंडियन कर लेना है। अपना गृह राज्य आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसी प्रकार आपको गृह जिला होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। आपके गृह ब्लॉक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आपकी तहसील आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और आपके विलेज का जो भी नाम होगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा पूर्व स्थापित। यदि आप अनिश्चित देश से यहाँ पर भारत के अंदर राजस्थान के अंदर आप स्थापित हुए तो आपको यहाँ पर विवरण देना पड़ेगा। यदि हुए हो तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और किस देश से आप स्थापित हुए उसका विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद में आपको आ जाने का कुछ स्पेशल कैटेगरी दी हुई है, जिसमें आपको यस नो करके अपना फॉर्म फिल करना होगा। जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो एलिजिबल हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो करना है। जैसे कि आप क्या आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यस करना है, हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो आपको यस नो कर देना है। यदि आप यस करते हो तो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपने कौन से लेवल पर स्पोर्ट्स का गेम खेला हुआ है, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नीचे आ जाते हैं। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हो तो आपको यहाँ पर यस नो कर देना है। आपके अनुसार क्या आप भूतपूर्व कैदी हो वो आपको देख लेना है। क्या आप मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी हो वो आपको यस नो में फिल कर देना है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्या आपके परिवार की डायलाग क्या आपके परिवार की आय 2 लाख से कम है। यदि आपके परिवार की आय 2 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। यस करने के बाद में जब भी आप इसका एग्जाम दोगे, आप यदि आपका नंबर आ जाता है तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेशन के समय आपसे आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ। नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में आपको कुछ एडिशनल श्रेणी दी हुई है। यदि आप इस एडिशनल श्रेणी से बिलोंग करते हो तो आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और आप इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको इसको ब्लैंक रहने देना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिल करनी है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको अपने सेकेंडरी डिटेल देनी है, यहाँ पर आपको 12th की डिटेल देनी है, यहाँ पर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा, आपके रोल नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका जो जो भी रिजल्ट था वो किस तरह कौन सा था, CGPA में था या ग्रेड में था या परसेंटेज में था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उत्तीर्ण होने का वह सेलेक्ट कर लेना है, आपके परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देने हैं। यहाँ पर मैं आपको फिल करके लाइव बता देता हूँ। जैसे कि मैं 10th क्लास का फिल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको विश्वविद्यालय का नाम बोर्ड का नाम फिल करना है, आपने कौन से बोर्ड से उत्तीर्ण की थी। यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम इस तरह से फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आपका परिणाम सेलेक्ट कर लेना है, CGPA में, ग्रेड में या परसेंटेज में वो सेलेक्ट कर लेना है। आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसी प्रकार आपका 12th का डिटेल दे देना है। यहाँ पर 12th के अंदर आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वह सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने 12th के डिटेल 12th में जो जो सब्जेक्ट थे वो मैंने फिल कर दिए। यहाँ पर हिस्ट्री, हिंदी, हिंदी साहित्य और इकोनॉमिक्स जो थे वो मैंने फिल कर दिए। यहाँ पर आपने 12th के कौन से बोर्ड से पास की थी वो बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आ जाने आपके यहाँ पर 12th के जो भी रोल नंबर है आपके यहाँ पर फिल कर देने हैं। 12th के रोल नंबर फिल करने के बाद में आपका यहाँ पर परिणाम सेलेक्ट कर लेना है परसेंटेज में जो भी वो आपका यहाँ पर कॉन्सेशन में पास की थी आपने 12th वो यहाँ पर फिल कर देना है। आपके अंदर 12th के अंदर कितने परसेंटेज थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं।
उसी पे आप उसी प्रकार आपको ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देनी है। यदि आपके ग्रेजुएशन में ट्वेल्थ में सब्जेक्ट सेम थे तो आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है, वरना यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सेम नहीं थे तो आपको यहाँ पर फिल कर देना है कौन से ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, उसका नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन के नंबर यहाँ पर फिल कर देने हैं। आपने यदि इस साल आपके ग्रेजुएशन है अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप रिजल्ट अवेटेड या अपेयरिंग करके इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। यदि आप रिजल्ट अवेटेड अपेयरिंग करते हो तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो आगे का जो भी ऑप्शन होगा वो आपको हायर हो जाएगा। यदि आप उत्तीर्ण हो तो आपको यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपने ग्रेजुएशन कब पास की थी उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, और ग्रेजुएशन में आपके कितने परसेंटेज बने थे उसका डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। इस तरह से आपको पूरी डिटेल फिल कर देनी है या DPCS के अंदर किया गया है, जिसमें से आपके एक भी एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास RSCIT का होना चाहिए या आपके पास ओ लेवल का होना चाहिए या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आप लोग देख लीजिए इनमें से एक डिप्लोमा आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए। मेरे पास RSCIT, तो मैं RSCIT की सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आपके पास कोपा हो कुछ भी हो या आपके पास ये DOESCC वाला ओ लेवल वाला हो सर्टिफिकेट हो तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। मेरे पास RSCIT है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। RSCIT वाले पर आधा नहीं कि आपके यहाँ पर आगे भी आपको RSCIT फिल कर देना है। आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से RSCIT डिप्लोमा किया था उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपके जो भी रोल नंबर थे स्कॉलर नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इस तरह से आपको फिल कर देना है। यदि आपने अभी तक RSCIT कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने RSCIT में एडमिशन ले रखा है, तो आपको अपने रिजल्ट अवेटेड पर आप क्लिक कर सकते हो। रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करने के बाद में आगे के ऑप्शन आपके हाइड हो जाएंगे। यदि आपने RSCIT कंप्लीट है, आप उत्तीर्ण हो, RSCIT पास की हुई है आपने, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर देना है, और कौन से सन में आपने RSCIT की थी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और आपके RSCIT में क्या परसेंटेज थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देनी है। चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको देख लीजिए आप फोटो सिग्नेचर आपकी किस साइज में अपलोड करना है। यहाँ पर फोटो की साइज आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसी प्रकार सिग्नेचर की साइज आपके यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपने सिग्नेचर और यहाँ पर आपको अपने बॉडी मार्क्स वो तो यहाँ पर फिल कर देना है, या नहीं हो तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। इस तरह से आपको ये पूरा अपनी डिटेल फिल कर देनी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देना है, यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है आपको, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके जो भी रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेंगे। आप कौन से जिले को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो, तो यहाँ पर आपको अपने रेफरेंस सेलेक्ट कर लेने हैं। इस तरह से आपको सभी जिलों को यहाँ पर फिल कर देना है। इस तरह से आपको अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल कर देने ही है, सभी डिस्ट्रिक्ट रेफरेंस आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपके फॉर्म को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक कर लेना है, पूरी डिटेल आपको चेक कर लेनी है। यदि इसके अंदर कोई भी गलती रह जाती है, कोई भी संशोधन करना होता है आपको, तो यहाँ पर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। यदि चेक करने के बाद में आपको दिखाई देता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और पे फीस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर आपको पेमेंट कितना शो हो रहा है, आपका कितना चार्ज लगने वाला है, वो चार्ज आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने पे फीस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, आपको यहाँ पे फीस पर क्लिक कर देना है। पे फीस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके पास एक एरर मैसेज आ रहा है, डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज एंड क्लाइप क्लिक बटन ऑन दिस विंडो। जब भी आप इसके अंदर फीस का पेमेंट कर रहे हो तो आपको अपने साइट को या विंडो को कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है। रिफ्रेश करने से आपका पेमेंट यहाँ पर अटक सकता है, तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन मेरे सामने दिखाई देंगे। मैं यहाँ से नेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना पेमेंट कर सकता हूँ, एग्रीगेटर के माध्यम से भी कर सकता हूँ, और UPI के माध्यम से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर एग्रीगेटर के माध्यम से अपना पेमेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा
क्लिक करने के बाद मैं आप मेरे यहाँ पेमेंट के लिए आपको कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। मैं यहाँ पर कोटक बैंक पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मेरा पेमेंट के ऊपर कितनी जीएसटी लग रही है वो चार्ज यहाँ पर आपको दिखाई देता है। नेट बैंकिंग का चार्ज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और क्रेडिट कार्ड पर आपको ये लग रहा है वो चार्ज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आप यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी टोटल फीस दिखाई देगी 260 260 रुपये। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हो और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट फिल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपके जो भी कार्ड नंबर होते हैं वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं और आपकी कार्ड की जो भी एक्सपायर डेट है यहाँ पर फिल कर देना है। आपके 3 अंकों के जो सीवीसी नंबर आते हैं वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप कार्ड होल्डर का नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ फिल करने के बाद में आपको प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद में आपके खाते से जो भी बैंक डिटेल आपके खाते से जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो गया उसके ऊपर एक ओटीपी आपको भेजी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देनी है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके यहाँ से पेमेंट ये पेमेंट कार्ड ले जाएगा और आपके पास सक्सेस का मैसेज जाएगा। वहाँ से आपको अपने फॉर्म की प्रिंट आउट ले लेनी है और रसीद की प्रिंट आउट भी आपको ले लेनी है। इस प्रकार आप अपने गांव विकास अधिकारी का फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। आज मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।